देखिए, पुलिस की पूरी व्यवस्था शहर के अंदर लचर बनी हुई है, पुलिस नींद में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनों के खेल में हैं और चोर ताले तोड़ने में लगे हुए हैं। ये खेल चल रहा है लगातार। आप देख रहे होंगे कि श्योपुर के अंदर पिछले एक सप्ताह या मुझे लगता है 8 दिन से लगातार चोरियाँ हो रही हैं। सलापुरा के अंदर ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल लगा हुआ है, 6 चोरियाँ। मार्गा जो बगल में है, इतनी बड़ी कॉलोनी है और हाई प्रोफाइल कॉलोनी कही जा सकती है, जहाँ पर वहाँ पे वो भी रहता है, तो सारे उसके बाद भी एक चोरी हुई और आज रात के रात दूसरी चोरी भी हो गई इसी पटवारी यहाँ। और इसके पहले मधुबन कॉलोनी में परसों नरसों हो गई और इसके पहले एक और हो गई। करीब दर्जन भर से ज़्यादा चोरी यहाँ पर श्योपुर के अंदर हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस नींद में है और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि श्योपुर के अंदर नशे का कारोबार शहर के अंदर आप देखोगे और पूरे इलाके में यहाँ से संचालित होता है, चाहे वो स्मैक का हो, चाहे ड्रग्स और हों, चाहे गांजा हो, चाहे और अन्य जो भी नशीली वस्तुएं हों, इसके अलावा सट्टे का लगातार कारोबार हो, तो पूरा का पूरा कारोबार कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता से चलता है। पुलिस उसमें लगी हुई है, उस वसूली के अंदर, और इधर चोर डकैती डालने में लगे हुए हैं, चोरी करने में लगे हुए हैं, और जनता और व्यापारी पूरे शहर के भयग्रस्त बने हुए हैं, संकट में बने हुए हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान नहीं है, पुलिस का ध्यान कहीं और है। नए कप्तान महोदय आए हैं, उनका भी अभी मुझे लगता है कि इस पर ध्यान नहीं गया है कि श्योपुर शहर के अंदर इतनी चोरियाँ हो रही हैं, श्योपुर थाने से किस तरह का यहाँ पे गश्त चल रही है सबके सामने है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहना चाहूँगा कि ये सब काम जब संभले हैं कि वो पुलिस पर ध्यान दें, वहाँ के बड़े नेता और यहाँ के नेता, लेकिन वो ज़मीन बनाने में लगे हुए हैं। अभी उदाहरण आ रहा है कि एक आदिवासियों की बड़ी भारी ज़मीन लूट ली, पूरी भूदान की ज़मीनें सस्ते दाम में लेकर के, परमिशन लेकर के करोड़ों की बना रहे हैं, तो ये बड़ा खेल चल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस इसलिए कहीं ना कहीं नींद में है कि यहाँ के जो नेता जो लगे हुए हैं वो अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं और चोर लगे हुए हैं अपनी व्यवस्था में। तो मैं तत्काल मांग करता हूँ कि इसमें पुलिस व्यवस्था तत्काल सुधारी जाए और उन चोरियों को ट्रेस किया जाए। और दूसरी ओर ज़मीनों का जो स्कैंडल चल रहा है, इसको लेकर के प्रशासन के सामने जो भी स्कैंडल आ रहे हैं उनको खोला जाए, और इसके बावजूद हम कांग्रेस पार्टी इनको लेकर के जरूर कानून व्यवस्था और जो भी ज़मीन की व्यवस्था की जो आंदोलन वो हैं, और उसके बाद खनिज के जो तमाम माफिया बने हुए हैं उनको लेकर हम आंदोलन करने वाले हैं।